बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डीएचए फेज 7 में जो खौफनाक हादसा हुआ उसको मैं मुसलसल रिपोर्ट कर रही हूँ, और इसमें जितनी भी डिटेल्स हमारे पास आ रही है मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके साथ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करूँ। ऐसे में अफसास फैक्ट्रियाँ जो है वो बहुत गर्म है, और बहुत अजीब अजीब सी कहानियां जो है वो शेयर की जा रही है, जिसमें मैंने आपसे शेयर किया कि एक दो अपने आप को जो सहाफी कहते हैं हजरात, उन्होंने कुछ ऐसी बातें शेयर की जिसमें बहुत ही इखलाकियात से गिरी हुई बातें थी, जिनका उस तरह से वजूद नहीं था जो हमने अपने जराये से पता किया। अलबत्ता ये जरूर है कि ये लड़का अफनान जो है ये एक बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ लड़का है, माँ बाप की बात ना मानने वाला लड़का है, एक ऐसे माँ बाप है जिन्होंने अपने बच्चे की सरकशी के आगे कोई पुल नहीं बांधा, और अब उनको ये खमियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में मैंने कुछ आपको एक्सप्लेनेशन दी थी, कुछ डिटेल्स दी थी। एक्सप्रेस न्यूज के रिपोर्टर है हारून, बहुत ही जबरदस्त रिपोर्टर है, इनका मैं कहूंगी कि इतना एक्सपीरियंस है जितना आप कह लीजिए मेरा एक्सपीरियंस है, और इन्होंने इस केस को बड़े करीब से देखा है। ये कोर्ट से जाके इस केस को बाकायदा रिपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि इनका चैनल भी है, मैं का लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप लोग जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि ये आपको कोर्ट से डायरेक्ट खबरें देते हैं, तो इनकी खबरें जो है इनको आप समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी, और आप तक जब पहुंचेगी तो आप उस खबर के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तमाम लोग जो अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं उन सबको वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले तो हारून को अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहूंगी, और फिर हम हारून से जानेंगे कि बेसिकली इस केस के अंदर चल क्या रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम हारून। जी वालेकुम असलाम मेरिन, कैसी हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हारून, आपका बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, क्योंकि ये केस जो है इसके बारे में लोग बड़ी अजीब अजीब सी कहानियां शेयर कर रहे हैं। मैंने कुछ चीजें आपके साथ उस दिन टेलीफोन के ऊपर भी डिस्कस हुई थी, मैंने आपको बताया, और फिर आपने कुछ चीजें क्लियर की। आपने बताया कि किस तरह से बच्चे के वालिद जो है इसके गोल्ड मेडल्स लेकर भी वहां पे पहुंचे हुए थे, कि एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। फिर आपने कुछ सीसीटीवी फुटेजेस के हवाले से बात की, मैं आपसे वो सवाल करूंगी, क्योंकि लोग सीसीटीवी फुटेज के हवाले से बहुत गलत खबरें दे रहे हैं। पर सब बातें एक साइड पे रख के इस वक्त जो लेटेस्ट हैपनिंग है वो हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे, क्योंकि कुछ खबरें मुझ तक पहुंची। अफगान के जो दोस्त हैं वो पकड़े गए, वो लड़के जो इसके साथ बैठे हुए थे, यही नहीं बल्कि उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं, हैरान कुन इंकशाफात है, साथ ही साथ अफगान के ऊपर इल्जाम भी लगे हैं। तो पहले तो जरा इस तरफ आ जाइए कि ये लड़के कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, और ये अब जो पकड़े गए हैं तो इनकी ये गवाही या शहादत जो है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बिल्कुल मेरिन, इस तरह है कि गुज़िश्ता हफ्ते ये वाकया रूनुमा हुआ था, जिसमें 6 अफराद जो है लुकमा अजल मर गए। और आप भी जानती हैं कि उसमें 2 बिल्कुल कम सिन थे, एक की उम्र 4 साल थी और एक की उम्र जो है तकरीबन 6 माह के करीब थी। अब जब ये वाकया हो गया तो मौके से जो शख्स गिरफ्तार हुआ वो फौरी तौर पर वो मुलजिम अफनान था, जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल के करीब जो है बताई जा रही है। अच्छा, इसमें एक अहम बात यह थी कि इसका जो बे फॉर्म है वो अभी तक मंजरेआम पर नहीं आया। शायद ये कोशिश भी की जा रही है कि इसको जो है अंडर एज ही रखकर इसका जो ट्रायल है वो 321 और 322 में करवाया जाए। खैर, लेकिन ये चीजें नामुमकिन नहीं है, जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा तो ये तमाम चीजें जो है वो सामने भी आ जाएंगी। अब आज सूरत हाल ये हुई है कि पुलिस ने जो 3 इसके साथ मजीद दोस्त थे, जो इसका इनिशियल बयान सामने आया था उसमें इसने ये कहा था कि हम 4 दोस्त जो है वो गाड़ी के अंदर मैकडोनल्ड फेस 7 जो है बर्गर खाने जा रहे थे, उस दौरान जो है तेज रफ्तारी के बायस ये वाकया रूनमा हुआ। मौके से अफनान तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन इसके बाकी जो 3 दोस्त थे वो मंजरेआम से गायब थे। कल कोर्ट में जब इसको पेश किया गया और पुलिस ने इसका फिजिकल रिमांड तलब किया तो उस दौरान एक बात सामने आई कि जो मुदई के वकील थे उन्होंने कहा कि हमें जो है इसके जो दोस्त है उन पर भी शक है, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए। उनके हवाले से भी गुफ्तगू जो है वो सामने आई। एडीसी की जो जज है अबर गुल साहिबा, उन्होंने इसका 5 रोजा जिस्मानी रिमांड वो दे दिया और उसके बाद जो है ये शख्स पुलिस की तहवील में चला गया। कल इसको जो है जेल से लाया गया था, क्योंकि जब पहले दिन इसको गिरफ्तार किया था तो अगले दिन 24 घंटे के अंदर, क्योंकि अदालत में पेश करना होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में इसको पेश किया गया, अब वहां पर उसको जुडिशियल कर दिया गया था, क्योंकि पुलिस ने कहा था कि ये सिंपल एक्सीडेंट का केस और ये ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन जो मुदई के वालिद थे, जो मुदई हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये 302 का केस है और इस शख्स ने जो है जानबूझ के यहाँ पर ये हिटिंग की है, ये कत्ल के जमरे में आता है, इसे दहशत फैली है। तो वो पहले दिन से इस चीज के ऊपर कोशिश कर रहे थे कि 302 की जो है वो FIR में इंदराज हो जाए, और वो यही हुआ कि कुछ प्रेशर ऊपर से भी आया, हुकूमत ने भी संगीनी इस मामले की देखी और फिर 302 का जो इतलाक इसकी FIR में कर दिया गया। कल इसको इसी तरह ही दोबारा जेल से लाकर पेश किया गया, फिर इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में लेकर गए, वहां से जेल तलबी के बकायदा अहकाम हुए, फिर इसको एडीसी की कोर्ट में पेश हुआ,
वहां पर दलायल हुए। इसके जो मुद्दई के जो मुल्जम के वकील हैं उन्होंने यही कहा है दोबारा कि जनाब इसको जो है जेवनाइल कोर्ट के अंदर इसका ये जानी चाहिए केस, बच्चा 17 साल से काम में, हम मानते हैं गफलत। वहां पर एक काम ये हुआ कि इसके जो वकील है उन्होंने इस चीज का इकरार किया कि हमसे गलती हुई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलती जानबूझ के हुई, नहीं, लापरवाही में ये गलती हो गई है, हिटिंग हुई है, 6 जाने बिल्कुल गई है, वो जाने तो वापस नहीं आ सकती। लेकिन जो है अब इसका जो ट्रायल है, जो इसके दीगर मामला है, कानूनी तकादे, वो बच्चों की अदालत में किए जाए, उस कोर्ट के अंदर किए जाए। तहम अदालत ने जो है 5 मतलब जिसमानी रिमांड पर इसको पुलिस की तहवील में ले दिया। आज डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के पास इनको पेश किया गया और आज पुलिस ने जो एक अहम कदम उठाया वो ये था कि पुलिस ने इसके साथ जो शरीक मुलजिमान हम कहेंगे उनको में तफ्तीश किया, उनको आज अदालत थाने बुलवाया गया डीआईजी अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक इन्वेस्टिगेशन। सेकंड, आपको यहाँ पर 1 मिनट के लिए मैं रोकूंगी हारून, क्योंकि ये चार जो इसके दोस्त हैं इनके नाम इब्राहिम, साद और अली, तीन जो दोस्त हैं और इनके नाम ये हैं। तो आप चूंकि वहां अदालत में मौजूद होते हैं, आपने अफनान को भी देखा है, इसके दोस्तों को भी देखा है, जो हमारे जराए बताते हैं कि ये A2 में पढ़ता है, ए लेवल्स में सेकेंड ईयर में है। आपको मालूम ही है ओ लेवल्स का बच्चा जो है 16-17 साल तक का हो ही जाता है, मैक्सिमम भी हो तो 15 का तो होता ही है। उसके बाद क्योंकि ओ लेवल्स आपका 3 साल का है, फिर आगे आपका ए लेवल 2 साल का है, तो ये बच्चा कहाँ ये जा रहा है, 18 साल का है। अब आप उस बच्चे को जब वहां पर देख रहे हैं, तो आपकी अपनी जो रीडिंग है, आपका अपना तजर्बा क्या कहता है कि ये और इसके दोस्त जो है ये क्या 18 साल से कम या 18 साल से ऊपर के या 18 साल के लगते थे? अच्छा मेरी इसमें जिस मैंने भी जो पहले बात की थी कि इसके वालिद का ये कहना है कि ये 17 साल का बच्चा है, लेकिन इसका जो बेफॉर्म है वो अभी तक मंजरे आम पर नहीं आया। ये बात मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ, ये चीज अभी आनी है, ये अभी चीजें निकलेंगी, क्योंकि जिस वक्त तफ्तीश चलेगी, अभी तो जिसमें रिमांड है उसके बाद ट्रायल शुरू होगा, तो ट्रायल में बातें सामने आएंगी कि ये बच्चा 17 साल का है या नहीं, क्योंकि उसमें जो मुद्दई है उसके पास ये रेमेडी है कि वो दरखास्त देकर अदालत से ये कह सकता है कि इस बच्चे का मेडिकल करवाया जाए और इसकी उम्र का तायुन करवाया जाए, और फिर उसमें इसका जो है तमाम डाटा सामने आ जाएगा। FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मालूम है वो हर जगह मौजूद होता है और पेरेंट्स ने बनवाया भी होता है। तो अब ए लेवल या ए लेवल करने के बाद भी या उसके दौरान भी जब इसे वहां गया है तो FRC जाहिर सी बात है बना होगा, इसका बेफॉर्म देखिए बना हुआ है। पढ़े है, कॉलेज से इसका डेटा निकलवाया जा सकता है, बिल्कुल कॉलेज के अंदर बच्चों की हर चीज होती है, उनके बेफॉर्म, उनकी हर शनाख्त जो है वहां पर है। मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा ये मामला नहीं है, अगर ये कोई छुपाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन ये बच्चे कहा जा रहा है कि ये भी कुछ हाजिर सर्विस लोगों के बच्चे हैं, कोई असर रसूख वाले लोग हैं, और शायद इनको इसलिए इनके वालिद ने गायब कर दिया था मौके से, ताकि उनके बच्चे के लिए बाद में आने वाले वक्त में आसानियां हो, क्योंकि वो उनके बच्चों को बचा रहे हैं, तो वो फिर इनके बच्चों को बचाने के लिए कोई इनका साथ दे। ये भी कोई इस तरह की कहानी है, आपकी नजर से गुजर रही है कुछ? जी मेरिन, इस तरह की बहुत सारी बातें, ये सब क्या सराइयों पर मबनी बातें हैं, क्योंकि अभी आज के दिन में इन तीन बच्चों को जो है सबसे पहले डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के रूबरू पेश किया गया था। ये बच्चे वहां पर आए, वहां पे इनसे गुफ्तगू हुई, बड़े अच्छे पुरसकून माहौल में किया गया ये तमाम इन्वेस्टिगेशन, इन बच्चों से उस वाक्य के मुतालिक जो पूछा गया उसमें एक अहम इंकशाफ जो आज हुआ वो इसके जो मुद्दई हैं उनका ये कहना था कि ये गाड़ी जो है वो अफनान ही चला रहा था, पहले दिन से उनका ये बयान है, और आज इसके एक दोस्त ने इस बात की तस्दीक की है कि गाड़ी वाकई अफनान ही चला रहा था। जो फुटेज आज मेरे पास आई थी उस फुटेज में आपने देखा होगा, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी लगाई है कि ये दो दोस्त उस टाइम मौजूद थे जो फुटेज के अंदर है, और उनमें से एक दोस्त के हाथ के ऊपर जो उसकी राइट साइड है, राइट हैंड की जो 2 फिंगर्स हैं, आखिरी 2 उंगलियां, वो फ्रैक्चर है, उसके ऊपर पट्टी हुई हुई है। तो इसी तरह ये बच्चे भी जख्मी हुए थे लेकिन ये उस वक्त मंजरे आम से गायब कर दिए गए। अब ये डिफेंस में रह रहे हैं, इसका वालिद को लाहौर के जो डिफेंस का एक माना हुआ प्रॉपर्टी डीलर भी है अफनान का वालिद जो है, और उस हवाले से जो इनकी उठक बैठक, और आप जानती हैं कि जिस स्कूल में ये पढ़ रहे हैं वो एक स्कूल, एक बहुत बड़ा स्कूल है, वहां पे आम बच्चा नहीं पढ़ता, गरीब के बच्चे की तो वहां तक रसाई नहीं है, तो वहां पर पढ़ने वाले इसके दोस्त भी इसी तरह अमीर कबीर ही है, अमीर घरानों से उनका ताल्लुक है, और इसी तरह ये वहां पर इकट्ठे उठते बैठते भी हैं। अब आज जो आपने पहला सवाल किया है कि आया ये शक्ल सूरत हैयत से बच्चे किस तरह के लगते हैं, तो तकरीबन ये 18 साल, 17 साल, 17.5 साल, 18 साल के लगभग ही हैं। इनकी उम्र का दुरुस्त तायुन जो आपने सवाल किया वो बेफॉर्म से होगा। अब ये जितना मर्जी छुपा लें, कोर्ट इनके पास 2 चीजें मौजूद है, कोर्ट इनके मेडिकल करवा कर इनकी उम्र के तायुन का हुक्म भी दे सकती है, अगर कहीं पर कोई डाउट हुआ
और दूसरी बात यह है कि अगर फौरी तौर पर हम बात करेंगे तो इनके जो बेफॉर्म है, इनकी जो दीगर चीजें हैं वो सामने इनको अदालत में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मुदई जो है इस हवाले से काफी ज्यादा जो है वो आगे जा रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजों की प्रिपरेशन करके रखी होती है कि कहीं पर कोई चीज रह ना जाए, क्योंकि उसने सोचा हुआ है कि मुझे इस शख्स को जो है हर हाल में सजा दिलवानी है, वो माफी की तरफ नहीं आ रहा। आज भी उसकी जानब जो मुझे इत्तला आई थी कि अफनान के घर वालों की जानब से जो है वो मुख्तलिफ रिश्तेदारों को जो अप्रोच किया गया है और कहा गया है सुलह सफाई कर लिया जाए तो मामला जो बेहतर हो जाए, क्योंकि जो शफकत है जो इसका मुदई है वो एक सुपरवाइजर है, जो मेरे पास इत्तला आई है किसी फैक्ट्री में गालबन, अब वो मिडल मैन है, वो कोई माना हुआ को बहुत बड़ा पैसे वाला शख्स नहीं है, एक आम मिडल मैन है, और उसको उसको सुलह सफाई के लिए जो जोर डाला जा रहा है कहीं से कोई प्यार से कोई मोहब्बत से कोई पैसे का लालच दे के बहुत सारे इलाके के लोगों से कुछ राइट लेफ्ट से, तो इस तरह की बातें भी अब सामने आना शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी ये बहुत अर्ली स्टेजेस हैं सारी, अगर सुलह होनी भी हुई तो ये अभी नहीं होगी, कम से कम 6 माह तो ये ले जाएगा मामला। सही है। अच्छा देखिए, अब मैं बड़े इंपॉर्टेंट सवाल करने चाह रही हूँ ताकि हम जल्दी जल्दी, मेरी कोशिश होती है हम लाइव मुख्तसर करें ताकि लोगों को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल सके। पहली बात यह कि कुछ बड़े ही गंदे इल्जामात इस लड़के पर लगाए गए अफनान पर, कि इसने गाड़ी से उतरकर कुछ बहुत ही नाजेबा हरकत भी की, जैसे कि डेड बॉडीज जो है अपनी गाड़ी में थी या गाड़ी से बाहर निकाल ली गई थी, उस टाइम भी इस लड़के ने अपना एक वो कहना चाहिए ना कि रोब दिखाने की भी कोशिश की थी और गुस्सा दिखाने की इस फैमिली को कोशिश की थी और उनकी लाशों के ऊपर उसने एक बड़ी अजीबोगरीब हरकत की थी, तो क्या इस तरह की कोई बात होती तो वहां पर मौजूद जो एनी शाहिदीन थे जिन्होंने इस लड़के को फौरन ही दबोच लिया था, मुझे जो सुनने में आया है उन्होंने इस लड़के को फौरन ही दबोच लिया था, पुलिस के हवाले किया था, आगे पुलिस की थोड़ी सी कर्मस्तियां थी कि उन्होंने इस बच्चे को 3 दिन के बाद प्रोड्यूस किया, तो ये बताए कि ऐसा क्या इसने किया होगा, और अगर किया होगा तो फिर वो सीसीटीवी कैमरा जो हमने फेज 7 पे हर चौक नाके के ऊपर लगे हुए देखे हैं तो वो कहाँ है, उनकी फुटेजेस किधर है? अच्छा मैरिज, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि ये तमाम के तमाम क्या सराइया हैं, अफवाहें हैं कि इस लड़के ने इस किस्म की कोई हरकत की है, वहां ऐसी कोई हरकत नहीं हुई है, क्योंकि जैसे ही ये वाकया हुआ आप है, बात कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ, जिस वक्त ये वाकया हुआ है हिटिंग हुई है वो को रात 2 बजे का टाइम नहीं है, रात 9:30-10 बजे का टाइम था। और एक चीज दूसरी चीज सीसीटीवी की बात है, बदकिस्मती है इस खानदान की कि जिस जगह पर यह वाकया रूनमा हुआ है वहां पर इर्द गिर्द तकरीबन 300 मीटर के रेडियस के अंदर कोई सीसीटीवी मौजूद नहीं है, मतलब लोगों के घरों में जो कैमरा लगे हुए हैं वो इतनी दूर तक कैच नहीं कर सके, उस तमाम इंसिडेंट को कैप्चर नहीं किया जा सका, क्योंकि थोड़ा सा आपको माजरत कतः कलामी के लिए हारून, मेरे पास वीडियोस आई इस इंसिडेंट की लोगों के अपने कैमरा से बनी हुई, मैंने अपने नाजिन के साथ शेयर भी की है अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में, तो उन तमाम लोगों को क्यों नहीं ये दरखास्त करती पुलिस के जिस जिस के पास इस वाकये की इंसिडेंट की A to Z कोई भी फुटेज है वो शेयर करे, आई थिंक दैट वुड हेल्प अ लॉट। मैरिन अभी देखिए, मैंने बताया ये मामला अभी चलना शुरू हुआ है, अगर चीजें आगे चलती चली गई तो वहां से जियो फेंसिंग भी करवाई जा सकती है कि वहां पर उस टाइम कौन कौन से मोबाइल जो है वो एक्टिव थे, उन नंबरों पे रابطہ करके उस टाइम वहां से उनसे वीडियोस भी कलेक्ट की जा सकती है। ओ यस, जियो फेंसिंग के जरिए। हाँ, जियो फेंसिंग के जरिए बहुत सारे, जब हम तफ्तीश करते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर मौजूद रहती है, जो मेन एविडेंस होता है वो होता है सरकारी सीसीटीवी का, सेफ सिटी के सीसीटीवी का या डिफेंस अथॉरिटी के अपने कैमराज का। बदकिस्मती से वहां पर ऐसा कोई कैमरा इंस्टॉल नहीं था जो इस वाक्य को डायरेक्टली जो है वो कैप्चर कर सकता, अब रह जाता है इस तरह लोगों की बनाई हुई वीडियो, तो अगर कोई खुद देना चाहे तो अलहदा बात, अगर कोई नहीं देता या अपलोड कर देता तो वहां से मिल सकती एक एविडेंस। सेकेंडली ये अगर पुलिस 2 स्टेप आगे जाती है वाकई तफ्तीश के अंदर, वो अपनी खरमस्तियां छोड़कर बकायदा तौर पर एक जज्बे के साथ जो है वो काम करती है, तो फिर जियो फेंसिंग करवा के वहां से सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जा सकती है। अब इस लड़के की जो बात है, जो आपने बात की कि ये लड़का गोल्ड मेडलिस्ट है, बिल्कुल इसके जो वकील अदालत में उस दिन आए तो इसके वो एक पलंदा लेकर आए सर्टिफिकेट्स का कि जनाब ये बड़ा टॉपर है, हमेशा इसने अपने स्कूल में टॉप किया है, डिबेट्स के अंदर हिस्सा लेता है, एक्टिविटीज में हिस्सा लेता है, ये बातें बिल्कुल दुरुस्त थी क्योंकि सर्टिफिकेट्स मौजूद थे। फिर उन्होंने तकरीबन दर्जन भर के करीब गोल्ड मेडल इसके दिखाए जो इसने मुख्तलिफ एक्टिविटीज में हासिल किए थे। ये बच्चा शार्प जरूर है हर चीज है, लेकिन एक चीज है कि जो लोगों ने इससे मुतल्लिक बातें करनी शुरू की है वो मेरी भी समझ से बाहर है कि आखिर इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मामलात हो गए, अब उस लड़के को क्या बदनाम करके डबल सजा दी जा सकती है? नहीं, सजा उसको वही मिलनी है जो कानून कहता है,
जो दफात लगनी है उसके मुताबिक ही सजा मिलनी है। यहाँ पे बिल्कुल, दोस्त हर हैं रेपिंग के चीजों लिए सब से कुछ कर। लोगों के जज्बात जो है बहुत बुरी तरह से मजरूह हुए हैं। लोगों ने जब ये बातें सुनी है, पहले लोगों के दिल में थोड़ी बहुत हमदर्दी अगर आ भी रही थी ना 5% के, ये बच्चा है चलो एक गलती हो गई, जबकि सब इसे बुरा भला, इसके माँ बाप को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन ये बात सुनने के बाद शदीद नफरत लोगों में पाई जा रही है इस लड़के के हवाले से, इसकी फैमिली के हवाले से। इसके वालिद भी रूपोश है, हम ये समझ रहे थे शायद वो जमानत कबल गिरफ्तारी कराएंगे, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं कराया, बिल्कुल ही मौके से फरार हो गए। इसकी वजह क्या हो सकती है? अच्छा मैरिन, ये मैं ब्रेकिंग आपको एक दे देता हूँ, लाइव है, और ब्रेकिंग ये है कि इसके फादर ने आज अपनी इंटरम करवा ली है, बेल बिफोर अरेस्ट करा उन्होंने आज करवा ली है, ठीक है जी। ठीक है। 28 नवंबर तक जो है उनको पुलिस से गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। आज एटीसी कोर्ट अफरगुल साहिबा की अदालत है, वहां से उन्होंने अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करवा ली है। ये अभी ताजा तरीन आपसे कुछ देर पहले ही ये हमारे पास भी स्टोरी आई है और हमने अपने चैनल पर दी कि अब उसकी बेल बिफोर अरेस्ट होगी, अब वो सामने तफ्तीश भी होगा। अच्छा, पुलिस ने अच्छा। इसको किस मुकदमे में गिरफ्तार करना चाह रही है और किसमें रखा है, ये भी एक ब्रेकिंग आपको मैं दिए देता हूँ कि पुलिस ने इसको गाड़ी के मालिक होने के मुकदमे में इसको सामने तफ्तीश करना था, वहां पर पुलिस ने इनको शामिल किया है इस मुकदमे के अंदर। एक्सीडेंट हुआ, वो इनके बेटे के ऊपर मुकदमा हो गया, अफनान के ऊपर। अफनान के वालिद जो है वो इस गाड़ी के ऑनर है, उनकी लापरवाही की वजह से अफनान गाड़ी लेकर गया, लिहाजा अब उनको गाड़ी का ऑनर होने की वजह से इस मुकदमे में शामिल किया गया। ये अच्छा एक अहम स्टोरी है, अभी अच्छा ताला एक और तरीके चीज से। हमारे सुनने में आया था कि जो गाड़ी इस्तेमाल की गई है ये नॉन कस्टम पेड थी, यानी आपके लिए एक तरह से चोरी की गाड़ी थी, ऐसा भी कुछ है? आप तो कह रहे हैं कि नहीं उनके नहीं वालिद के नाम पर है। नहीं नहीं उनका कुछ भी नहीं है, ये सब अच्छा फजूलियात है, जितनी भी बात अच्छा की अच्छा जाए ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यह कि गाड़ी वहां पर हिट हुई, और हिट होने के बाद वो आपने फुटेजेस देखी है वो किस किस्म की गाड़ी है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो नॉन कस्टम है या कस्टम पेड है। ये सब बातें जो है गैर सतही है, इनका इन्वेस्टिगेशन से ताल्लुक ही कोई नहीं है। अगर केस पे कोई इसमें असर नहीं इनका, होता, लेकिन चोरी हाँ की इनका गाड़ी का केस केस तो, तो देखिए बन जाता है ना अगर कस्टम पेड ना हो तो। अगर वो तो अगर डालना है तो कस्टम वाले इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, हाँ उसका इस हीटिंग से एक्सीडेंट से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अच्छा, इन लड़कों के बारे में आप एक चीज बताइए कि ये सवाल रह ना जाए कि ये जो लड़के पकड़े गए हैं या जिनसे तफ्तीश हो रही है, क्या इनके ऊपर भी कोई केस बन सकता है? इनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है किस केस के अंदर शो हो रही है? जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि मुख्तलिफ जो मुकदमात दायर होते हैं उनके अंदर किसी को रखना हो तो 109 का खाना रखा गया हो, तो ये शरीक मुल्जम के तौर पर जो है इसके साथ शामिल है, और वो बकायदा तौर पर। अब देखना यह है कि इनका रोल क्या डिफाइन होगा, पुलिस ने इनका रोल हाँ बेसिकली डिफाइन करना है। पहले तो पुलिस इनसे इन्वेस्टिगेशन करेगी उस वाकये से मुतल के हुआ क्या, फिर पुलिस इनका रोल जो है फर्दन इनसे अलहदा अलहदा करके पूछेगी कि तुम क्या कर रहे थे, क्या तुमने लड़की को देखा, क्या तुमने छेड़ा, मुख्तलिफ दोस्तों से अलग अलग सवाल किए जाएंगे, फिर उनमें से हर बंदे का रोल डिफाइन हो जाएगा कि यानी उसने यहां किस पर हद तक इनको आकर साथ इनको दिया। लड़कियों को छेड़ना या ना छेड़ना जो है इनको कसूरवार या बेकसूर प्रूव करेगा, इज दैट सो? फिर दूसरे, ये कि साथ बैठा हुआ शख्स था, क्या उसने कहा नहीं कि तुम गाड़ी तेज मत चलाओ, क्या किसी ने कहा नहीं गाड़ी तेज चलाओ। तो इस तरह की बातें जो जब सामने आएंगी वो हर बंदे का रोल डिफाइन होता जाएगा, क्योंकि जो फ्रंट पे सीट पे बैठा हुआ शख्स है वो जहरी सी बात है उसको इंस्टिगेट कर रहा होगा कि यार या तो तुम बहुत तेज गाड़ी चलाओ, इनको डराओ, या वो मना कर रहा होगा कि छोड़ो रहने दो, हम अपना चलते हैं, हम अपना घूमने जा रहे हैं। इस तरह ही जब इन लोगों से आपस में गुफ्तगू होगी तो इन सब का जो रोल ऐसा ऐसा डिफाइन होता जाएगा और उसके मुताबिक जो है इनको सजा मिलेगी। और अगर किसी का रोल डिफाइन नहीं होता, अगर मेरे जैसा कोई डरपोक बंदा बैठा होगा तो पीछे यही कह रहा होगा यार ना करो ना ये हरकतें करो तो मसला हो जाएगा, चलो भागे। मेरे तीन दोस्त बाकी ये कहेंगे नहीं हारून यही कह रहा था कि जी ऐसा ना करें, तो मैं तो उस केस से बाहर आ गया। लेकिन जिस जिसने इसके अंदर उसको शह दी होगी वो इस मुकदमे में बकायदा तौर पर नामजद होने के बाद जो शरीक मुजरिम ठहराया जाएगा। सही, बल्कि आज इसके दोस्त ने अपने दोस्त पर ये इल्जाम लगाकर कहना चाहिए कि कब्र में, सॉरी ताबूत में आखिरी कील जो है वो ठोक दिया। किस तरह कि इसने जब ये कह दिया कि हाँ गाड़ी अफनान चला रहा था, तो अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि आपको भी मालूम है हारून इस तरह के केसेस में आमतौर पर बेचारे जो गरीब लोग होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, वो फंस जाते हैं और उनको डाल दिया जाता है कि जी गाड़ी तो वो चला रहे थे। कशमाला तारिक साहिबा जो इनके बेटे की, आपको मालूम ही है वो जो बिल्कुल केस था उसके अंदर भी इसी तरह की चीजें चली थी, मुबैना तौर पर कहा
कहा जाता है कि उनका बेटा था, लेकिन अव्वल आलम वो ड्राइवर जो है साहब वो फंस गए जो भी हुआ, और उनको फिर पैसे दिए और जो भी किया गया। अब इसी तरह से यहाँ पर भी ये अगर गुंजाइश बाकी थी कि शायद ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, तो वो गुंजाइश अब बाकी नहीं रही, जैसे कि आप अपने व्लॉग में भी ये बात की थी। तो अब अफनान जो है वो अपने ही दोस्तों के हाथों कहिए कि एक तरह से बुरा फंस गया है। उसके दोस्त जो हैं अब वो क्या कुछ बातें बताते हैं, वो मजीद अफतान को फंसा भी सकती हैं और उसको शायद किसी हद तक रिलीफ देने का बायस भी बन सकती है। लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम आज के इस प्रोग्राम में चीजों को क्लियर करें, सेंसेशनलाइज ना करें, बल्कि बताएं कि वाकईतन हकीकत ऑन ग्राउंड क्या है। और हारून चुके इस केस को बाकायदा तौर पर कोर्ट से नहीं, रिपोर्ट इसमें कर रहे हैं, तो मैं आप जरूर इनके चैनल पर जाके देखिए। और एक एक आखिरी बात मैं बता दूं, आप बात ही पे कह दीजिएगा कि एटीसी की दफात लगने की वजह से इनके वकील ने एक दरखास्त दी हुई थी कि इन्हें जमानत इस लड़के को दी जाए, लेकिन अब वो दरखास्त उनको वापस नहीं पड़ गई, क्योंकि जब दहशतगर्दी की दफात लग जाती है तो जमानत की गुंजाइश नहीं रहती है। जी उस्मान, हारून सॉरी, आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपको एक अहम बात इसमें और बताता चलूं कि अब पुलिस ने इसमें, क्योंकि पुलिस अब जदीद तरीकों के ऊपर भी तफ्तीश करती है, इस लड़के अफनान ने अब तक जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है उस बयान की रोशनी में इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का भी फैसला किया गया है। और कल गालपन जो है हाँ इसको फॉरेंसिक बिल्कुल डिपार्टमेंट ले बिल्कुल जाया जाएगा एजेंसी में, वहां पर इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी होगा, जो इसने तमाम पिछली अपनी हिस्ट्री बयान की, तमाम वाकये से मुतलिक उसको वहां से उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। गो के कानून की नजर में पॉलीग्राफिक टेस्ट की कोई खास अहमियत नहीं है, लेकिन पुलिस अपनी हद तक, तफ्तीश की हद तक जो है उन चीजों क्लियर करवाने के लिए पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा दी। तो कल इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी है, उसकी भी रिपोर्ट सामने आएगी कि आया इसने अब तक जो बातें कही हैं वो सच थी या झूठ थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप आवाज भी अब स्टक होगी, और वैसे भी हमारे प्रोग्राम जो है वो भी अपने इख्तिताम की तरफ है। हारून, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा चलिए नाजी, मुझे अब हारून की आवाज तो नहीं आ रही, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया हारून, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत अच्छे से हमें पूरे केस की डिटेल्स दी। इंशाल्लाह नाजी, हम मजीद भी आपको डिटेल्स देते रहेंगे, हारून के साथ भी हम सिटिंग करते रहेंगे, और जैसे कि आपको बताया कि आप इनके चैनल को भी विजिट कर सकते हैं इस केस के अपडेट के लिए। इंशाल्लाह मजीद तफसीलात के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।